अस्सलाम वालेकुम मैं जुलेखा आरफा जुलेखा किचन से तो चलिए आज हम बनाते हैं मटन कोरमा कुकर के अंदर एकदम क्विक झटपट नहीं ये कोई शादियों वाला कोरमा या देगी वर्च देगी वाला कोरमा या वाइट कोरमा ऐसा कोई कोरमा नहीं वैसे ये सारे कोरमे मैंने बनाए हुए हैं लिंक्स आपके लिए सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है ये एकदम झटपट जुलेखा वाला कोरमा समझिए तो चलिए बनाते हैं साधारण यानी ऑर्डनरी इंग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटन कोरमा आज का चलिए का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें तेल डाल दीजिए अब इसमें हम गरम मसाले डाल देते हैं तो इसमें डाल दीजिए आधा छोटा छे का चम्मच साबुत ज़ीरा आधा छोटी डांडी दालचीनी की दो तेज पत्ता एक बदियान एक बड़ी इलायची छः आठ लौंग और छः आठ काली मिरी ये सारे गरम मसाले डाल दीजिए और इन्हें फास्ट आंच पर तरतला जाने दीजिए अच्छे तड़तरा जाए और खुशबू निकलने लगे गरम मसाले की तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज की प्याज लंबी लंबी स्लाइस करके रखी है ये डाल देती हूँ और इसे भी फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए प्याज को फ्राई कर लीजिए आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती जब इस तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ डेढ़ टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट और थोड़ा सा वन फोर्थ कप जितना पानी डाल दीजिए और बार बार चलाते हुए अदरक लहसन के पेस्ट को भून लीजिए तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए उसके बाद यहाँ पर मैंने ना एक मीडियम साइज़ के टमाटर की छील निकाल ली है और इसे बारीक बारीक काट कर डाल दिया जी हाँ मुझे पता है टमाटर नहीं डालते हैं बट मुझे बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट तो मैंने यहाँ पर टमाटर डाला है आप स्किप करना चाहते हैं नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिएगा अब इसे ढाक कर स्लो आंच पर रहने दीजिए टमाटर थोड़े नम हो जाए दो तीन मिनट तक पकने दीजिए जब दो तीन मिनट हो जाए तो आप देख सकते हैं टमाटर थोड़े नम हो गए इस की मदद से थोड़ा सा प्रेस भी करते जाइए इन्हें और नमक डाल दीजिए अब इसमें स्वाद अनुसार मैंने एक छोटा चाय का चम्मच डाला है आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए तीन छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर आप दो छोटे चाय के चम्मच भी डाल सकते हैं धनिया पाउडर हाँ और यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है मैंने डेढ़ छोटा चाय का चम्मच डाला आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं थ्री फो छोटे चेहका चम्मच गर्म मसाले का पाउडर डाल दीजिए और थ्री फोर छोटे चेहका चम्मच भुना पीसा जीरे पाउडर डाल दीजिए और इसे मिक्स कर वन फोर्थ कप जितना मैंने पानी डाला है और इसे बहुत अच्छे से पहले तो मिक्स कर लीजिए अब इसे ढाक दीजिए और स्लो आँच पर तब तक पकने दीजिए जब तक तेल नहीं छूट जाता और मसाले भून नहीं जाते ये देखिए दो तीन मिनट के अंदर तो मसाले भून गए और तेल छूटने लगा अब यहाँ पर मैं डेढ़ सौ ग्राम यानी कि वन फिफ्टी ग्राम दही गाढ़ी दही ले रही हूँ ज़्यादा खट्टी नहीं है मीठी नहीं है कुछ नहीं है नॉर्मल दही और रूम टेम्परेचर पर चूल्हा फास्ट आँच कर दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए दो तीन मिनट तक भून लीजिए फास्ट आँच पर इस सालन में यानी कि इस कोरमे में हल्का खटास ज़्यादा रहती है नॉर्मल कोरमे से क्योंकि मैंने टमाटर भी डाला है और दही भी डाला है मुझे बहुत पसंद है ये वाला स्वाद तो मैं ये वाले कोरमे में मैं ऐसा ही करती हूँ बट तो आपको ज़्यादा खटास नहीं पसंद है कोई बात नहीं आप 100 ग्राम दही डालिएगा और एक टमाटर डाल दीजिएगा और अगर आपको तब भी परेशानी है ज़्यादा खटास से तो आप डेढ़ ग्राम दही डालिए और ये जो टमाटर है ये स्किप कर दीजिएगा चलिए यह बहुत अच्छे से भुना चुका है मैंने फास्ट आँच पर दो तीन मिनट तक भुना था तेल छूट चुका है तो यहाँ पर मैं आधा किलो गोश्त Uh, आधा अड्डियों और आधा बोलने से ये दोनों धोकर चर्बी निकाल कर मैंने डाली है और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर गोश को भी मिनट तक भून लीजिए चलिए दो तीन मिनट हो चुके हैं इनफैक्ट तीन मिनट तक मैंने भुना है इसे और अब यहाँ पर मैं थ्री फोर्थ कप जितना पानी डाल देती हूँ आप चाहें तो आधा कप भी डाल सकते हैं इसे एक बार चला लीजिए और इसे ढाक कर दो सीटी फास्ट आंच पर खिला लीजिए और फिर स्लो करके तकरीबन पंद्रह सोलह मिनट तक रहने दीजिए स्लो आंच पर जब पंद्रह सोलह मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और अच्छा कम्प्लीटली प्रेशर निकल जाए तो खोल कर चेक कर लीजिए आपका ये गोश्त गला है कि नहीं ये देखिए आराम से गल चुका है तो अब चूल्हा फास्ट आंच पर फिर से चालू कर दीजिए यहाँ पर डाल दीजिए थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोतमिर यानी कि हरा धनिया अच्छा आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर यानी कि वन फोर्थ छोटा छोटा चम्मच इस समय डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने पहले ही अच्छे से डाल दिया है अब इसे बार बार चलाते हुए आ, फास्ट आँच पर या मीडियम आँच पर दो तीन मिनट तक भून लीजिए बार बार चलाते रहिएगा बीच में कि नीचे चिटके ना थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा तो मैंने डाल दिया आप भी चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं आप चाहें तो हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाली है अब ये देखिए तीन मिनट हो चुके हैं और हल्का तेल ऊपर आ गया है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया आधा कप पानी से एक बार चला लीजिए और फास्ट आँच पर एक उबाल खिला लीजिए उबाल आ जाए तो चूल्हा स्लो करके ढक कर इसे पकने दीजिए पाँच छः मिनट अच्छा यहाँ पर मैं कुकर का ढक्कन बिना गैस के लगा रही हूँ हाँ चलिए पाँच से छः मिनट हो चुके हैं ये देखिए और बढ़िया सा जुले का घिसटाइम है झटपट मटन कोरमा पक चुका है मैंने चूल्हा बंद कर दिया और ढाक कर आधे एक मिनट तक रखते हैं ना तो ये तरी ऊपर आ जाती है तो मैंने ढाक कर एक दो मिनट रखा और फिर अब गर्मा गर्म एक प्याले में निकाले रोटी पराठा फुलका बटर नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए रुमाली रोटी के भी साथ सर्व कर सकते हैं आप वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लें डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहाँ चेक कर लीजिएगा अच्छा मैंने कुछ Uh, अलग अलग टाइप की डिफरेंट स्टाइल्स के कोरमे की मटन कोरमे की रेसिपीज़ बनाई है लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजिएगा मैंने हरी मिर्चियाँ डाली नहीं है आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार एंड में कोथमिर जब हरा धनिया डालते हैं तब आप डाल सकते हैं काट कर या स्लिट मारकर और जो लाल मिर्ची का पाउडर है वो भी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा तो है ना मजेदार रेसिपी आज की अगर आप ये वाली रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ